सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे। आगे सर। नमस्कार, मैं हूँ दीपांजलि मोइत्रा। कोरोना की वजह से देश में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई थी। ये वर्चुअल बैठक गोपनीय थी। प्रोटोकॉल के तहत इस बैठक का कोई भी मुख्यमंत्री बिना किसी पूर्व जानकारी या नोटिस के लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकता था, लेकिन सीएम केजरीवाल ने चालाकी दिखाते हुए पीएम मोदी के साथ हुई बैठक का लाइव प्रसारण कर दिया। पीएम मोदी को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने भरी मीटिंग में केजरीवाल को कड़े शब्दों में फटकार लगा दी। इस बैठक के दौरान केजरीवाल जब आगे बोल रहे थे तो पीएम मोदी ने उन्हें टोकते हुए कहा, ये हमारी जो परंपरा है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, ये उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, हमें हमेशा से संयम का पालन करना चाहिए। पीएम मोदी से फटकार पड़ते ही केजरीवाल को एहसास हो गया कि उन्होंने भारी गलती कर दी। इसीलिए अपनी गलती के लिए उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांग ली और कहा, मुझसे गलती हो गई, ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया या मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। केजरीवाल को पड़ी डांट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। इस वीडियो में आप भी देखिए पीएम मोदी किस तरह से केजरीवाल को फटकार लगा रहे। मेरा विश्वास है, देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। सीएम केजरीवाल पीएम मोदी से जो भी बात कर रहे थे उसे चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें लगा कि पीएम को इसका अंदाजा नहीं, लेकिन जब पीएम ने उनकी चालाकी पकड़ ली तो केजरीवाल हक्का बक्का रह गए और भरी मीटिंग में माफी मांगनी पड़ गई। केजरीवाल की इस हरकत पर पत्रकार मेघा प्रसाद ने लिखा, केजरीवाल ने पूरी तरह से विश्वास को तोड़ा, अब तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया था। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नकवा ने लिखा, अरविंद केजरीवाल ने पीएम सीएम मीटिंग प्लेटफॉर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने दो पॉइंट उठाए, पहला ऑक्सीजन एयरलिफ्टिंग का, जो कि पहले से हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं। दूसरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की बात की, जबकि रेलवे सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रेलवे से इस बारे में संपर्क ही नहीं किया। बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने कहा, केजरीवाल की अवसरवादी चीप राजनीति, पिछली बार कोरोना पर पीएम सीएम मीटिंग के दौरान आप हंस रहे थे और इस बार सेंसिटिव मीटिंग की फीड न्यूज चैनलों को लाइव कर दी, शेम ऑन यू। दीपक राय नाम के यूजर ने लिखा, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पीएम सीएम कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल गटर पॉलिटिक्स के लिए किया, शॉकिंग। पीएम मोदी की बैठक के लाइव टेलीकास्ट को लेकर छिड़े सियासी विवाद के बीच दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम के संबोधन को लाइव साझा किया गया, क्योंकि केंद्र की ओर से लिखित या मौखिक में कोई निर्देश नहीं था कि इसे साझा नहीं करना। सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर कोई असुविधा हुई तो उसके प्रति अफसोस प्रकट करते हैं। इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है।
प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए, शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना, अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पर ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूँ? मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे। ओके सर। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले, जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे। ओके सर।